तुरंत मार देगा, तुरंत मार देगा। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आकाश यादव जी महाराष्ट्र के एक जाने माने स्नैक सेवर हैं और वो आ चुके हैं हमारी जिद के आगे एक न चली। आइए, वेलकम वेलकम। अरे बाप रे बाप, हमारी जिद के आगे उनकी एक न चली। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अरे बाप रे, इधर आइए। नमस्कार। ये है हमारे आसनसोल रेलवे डिपार्टमेंट। हाँ हाँ, वो भी भैया आरपीएफ का कमांडेंट है। अच्छा, और जाने माने, थोड़ा सा आप लोग साइड दीजिए, जाने माने स्नैक सेवर सुजय जी। और ये है हमारे चौधरी जी, वो हमारी तरह काम कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छा काम करते हैं। ये हमारे मित्र सुजय परमाणिक, इनका भी एक चैनल है और ये भी अच्छा सा रेस्क्यू करते हैं झारखंड में। और सभी मेरे जो झारखंड के फॉलोअर्स है उनको मैं जय जोहार कहना चाहूंगा। क्यों में जमे रहे, धोखा कभी भी हो सकता है, बस चला जाए आगे की ओर। पब्लिक पब्लिक को लेना, सारा भीड़। साथियों, सांप तो खैर पकड़ में आ जाएगा, लेकिन आज का दौर में सबसे ज्यादा जहरीला इंसान है। और आज से ठीक 10 साल पहले हमारे माननीय चेयरमैन साहब से हमने मुलाकात की थी, और ये ढूंढते हुए हमारे घर गए थे सांप रेस्क्यू करने, लेकिन रोड के किनारे में एक आदमी गिरा हुआ मिला था। तो इन्होंने कहा कि मुबारक, तुम तो सांप पकड़ लेगा, लेकिन रोड के किनारे जो आदमी गिरा हुआ है उसको पहले हम लोग उठा लेते हैं। तो ये 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय ये चेयरमैन नहीं थे। वो क्या किया है, गोदी में उस आदमी को उठा के अपना गाड़ी स्कॉर्पियो में डाल के बजप्ता पंचत बांदा बस्ती में उसका घर पहुंचाया है। वो इनका जज्बा है। हम एक बार फिर से आपको सलाम करना चाहते हैं, क्योंकि आज के दौर में आपके जैसा इंसान मिलना बहुत कम है। और ये है हमारे सुजय भैया, वो भी एक रेस्क्यूअर है, और ये महाराष्ट्र से आए हैं, सर्प मित्र आकाश यादव। सर्प मित्र आकाश यादव इनका यूट्यूब चैनल है। अब आप बताइए कहाँ पर सांप है, पब्लिक को बता दीजिए। चलिए आप भी बताइए, भीड़ खाली कर दीजिएगा। चलिए कहाँ पर है बताइए, जाइए पीछे चल जाइए। ठीक है ठीक है। बहुत ज्यादा ही थे, बहुत ज्यादा ही थे। निकलो निकलो। गाली देने मना कीजिए, पूरा गाली देने मना कीजिए, पूरा कैमरा में आ जा रहा है। गाली मत मत कीजिए, वही पर है सर, वो देखिए ना। हाँ इधर इधर उसको छोड़ ना, चलिए ऊपर थोड़ा सा। अरे यार हट जाना सामने से। भैया निकाल लो, इधर 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 इधर। देखिए
थोड़ा सा शांति बना के रखिए, भीड़ काफी है, थोड़ा सा पीछे हटवाइए ना, थोड़ा सा पीछे हटो भाई, थोड़ा सा पीछे हटो, थोड़ा सा भैया आप लोग यकीन कीजिए, देखिए सांप के बारे में थोड़ा पीछे चले जाइए, थोड़ा पीछे चले जाइए, आप शांत रहिएगा तभी हम लोग बता पाएंगे, चुपचाप रहिए, सांप काटने से आपको हॉस्पिटल जाना है। ये सही बात है, सही एकदम सही, कभी भी भूल से ओझा कुनी झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहे, नहीं तो मारा जाइएगा, और सांप को हाथ से मत छुइएगा कभी भी, बहुत सारे हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, सांप को हाथ से छूने का काम कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, ये मत कीजिएगा भूल से, आप खाई छुआ सांप को हाथ से भूल से मत छुइएगा, नहीं तो मारा जाइएगा, आप क्या छुआ, हम लोग स्टिक से छू रहे हैं, क्या है स्टिक से छू रहे हैं, मत आइए सामने, भूल से मत आइए, मार देगा, देख रहे हैं, देखिए तुरंत मार देगा, तुरंत मार देगा, ये हिंदी में नाग, इंग्लिश में थोड़ा बताइए, शांति बनाए रखे, अब जानते मेरे को मैं कहाँ से, महाराष्ट्र से, जी 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 महाराष्ट्र से आया हूँ, झारखंड में, आप सभी को जोहार जोहार, और सभी झारखंड वासियों को मेरा प्यार भरा सलाम, और आज मेरा ये पहला रेस्क्यू है, इससे पहले मैं कुछ साल पहले आया था, तब भी मैंने कुछ सांप रेस्क्यू किए, तो इन इन भाई साहब का कहना था सांप कैसे पकड़ लिया हाथ से, जी, 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 जी। तो बताना चाहूंगा सांप कोई भी नहीं पकड़ सकता, सांप इसके सीखने सीखना पड़ता है, साल दो साल अध्ययन करना पड़ता है तभी आप सांप पकड़ सकते हैं, मत बताइए आगे मत आइए भैया, भीड़ बहुत है, चेयरमैन साहब से आज्ञा लेते हैं कि फिर कभी हम लोग दोबारा आएंगे, जब भीड़ कम रहेगा दिखलाएंगे, सर हम लोग लॉक करना चाहते हैं, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी सर, हटा ही नहीं रहा है, रुक जाइए थोड़ा, अरे आप लोग सुनिए ना, थोड़ा देर भीड़ हटा दीजिए, दिखला देंगे थोड़ा देर, आते ही आते हैं भैया, आ रही है, आप 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 हट जाओ, आप हट जाओ, सर हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है इंसानों से सांपों को बचाना और सांपों से इंसानों को बचाना, जीवन चक्र में सांप को बचे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथियों एक टाइम मत खाइए, अपना बेटा बेटी को आईएएस आईपीएस आईएफएस बनाने का सपना पालिए, अरे कुछ बने या ना बने बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा तो जरूर बने, क्या सर गलत बोल रहे हैं, कुछ नहीं बन पाए पूरे लाइफ में तो कम से कम बुढ़ापा में माँ बाप को वृद्धा आश्रम ना भेजे, क्या सर गलत बोल रहे हैं, बात है बिल्कुल सही, जो हुआ नशा का शिकार उसका उजड़ा घर द्वार और परिवार, नशा से दूरी रहे और नशा को हावी ना होने दे, जय हिंद जय भारत और हमारे महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं आकाश सर आए हुए थे उड़ीसा, और इतना हम फोन कर करके परेशान किया है कि सर वहां से कैसे चले जाओगे आप, अरे मान लीजिए वहां आए हैं, वहां से मान महज 600-700 किलोमीटर है, तो मेरे जिद के आगे एक न चली, और रिलीज करने का मजा ही कुछ अलग है, सर लीजिए इसको जंगल में रिलीज कीजिए, अभी जो कोबरा रेस्क्यू किया था ये रिलीज कर रहे हैं, और जैसे ही आए हम दो तीन रेस्क्यू कॉल आए, उसमें से दो कॉल हमें फेल हो गए हैं, और ये रेस्क्यू कर पाए हम, क्या है ना कभी कभी फेल हो जाता है कॉल, जा करके नहीं मिलता सांप, ऐसा नहीं कि हम सांप पकड़ने के लिए गए और सांप मिलेगा ही, कुछ सांप भाग जाते हैं, कुछ नहीं मिलते, तो चलिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर हमने रिलीज किया है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और मुबारक स्नेक से और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सुजय स्नेक से इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।